सर डेब्यूटान डायरेक्टर, मेरा सबसे पहला शो है ये। मेरे लिए ये शो बहुत, इसका कॉन्सेप्ट बहुत टाइम से मेरे दिमाग में था। आई लव बीइंग इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। मुझे तकलीफ बहुत सारी हुई शूटिंग के दौरान, बहुत सारी, बट देन अगेन अगर तकलीफ नहीं होगी तो कोई मज़ा है नहीं शो बनाने में। मुझे इतनी खुशी ऑनेस्टली ज़िंदगी में नहीं मिली, क्योंकि मुझे ऐसे चांस, मुझे नहीं लगा था कि मेरी फैमिली से, मेरे फादर संजय भट्ट जी से मिलेगा। उन्होंने मेरे आइडिया को इम्पोर्टेंस दे के मेरे लिए एक शो बनाया, विच आई एम इटर्नली बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं। प्रोजेक्ट एंजल्स में जो कंटेस्टेंट्स, उनको लेने का मेरा पूरा आइडिया ये था कि मुझे सिंपल जो नॉर्मली हम मेल फीमेल्स को लेके शो बनाते, मुझे नहीं बनाना था। मुझे एक कम्युनिटी को लाना था जिसको अभी भी बहुत नीचे रखा जा रहा है, एंड दे आर नॉट गिवन वो जो वैल्यू जिसके वो लायक है, जो रिस्पेक्ट उन्हें मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिलती। तो मेरे शो में उनको बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया गया है, जैसे मैं ट्रीट हो रही हूँ वैसे आप भी हो रहे हो, वैसे सब हो रहे हैं। वैसे आई लाइक टू मेक माई शो। तो आउटराइट चैलेंजेस तो बस मेरे सीखने में थे, दैट क्योंकि मेरे पास नॉलेज, मेरे बचपन में मैंने पेरेंट्स को देखा था, जब पेरेंट्स मेरे बनाते थे शोज एंड एवरीथिंग, तब मैंने ज़रूर देखा था। तब उस टाइम पे समझ जाती थी नहीं, आगे बढ़ के जब मैंने देखा तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है, जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो उतना, उससे 10 times मोर आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत होता था। बट जब बन गया तो जब वो एक नींद मिलती है, जब आप ख़त्म करते हो अपना पूरा काम, वो जो नींद मिलती है वो खुशी की, दैट वॉज द गोल। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैंने एक ऐसा, मैंने जब एपिसोड्स देखे मेरे शो के, जब मैंने एपिसोड्स देखे मेरे शो के, तब मेरे अंदर से मुझे ही बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मेरा शो है, बिकॉज इतना बड़ा सेट, इतना बड़ा शो, इतनी सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, पर थैंक्स टू माई फादर मुझे वो सारी चीज़ें मिली, एंड आई एम वेरी हैप्पी। जो रिस्पॉन्स है भी बहुत हैप्पी। तो प्रोजेक्ट एंजल्स का पूरा जॉनर है रियलिटी शो बेस्ड ऑन फैशन, मेकअप एंड मॉडलिंग। तो बिकॉज ये सब परफॉर्मर्स एंड मॉडल्स एंड एक्टर्स हैं, सब इन सब में से, तो मुझे चाहिए था कि वो सब मिला के एक शो बनाया जाए, और वो सब मिला के मैंने एक शो बनाया, क्योंकि मेरे खुद के इंटरेस्ट वैसे हैं। मैं रहती ऐसे हूँ, मैं बहुत खुशी खुशी रहती हूँ, मैं जैसे रहना है वो कपड़े पहनती हूँ, मुझे वैसे अच्छा लगता है। जब मैं इनसे मिली मैंने देखा इनको भी यही पसंद है, तो फिर मेरे लिए बनाना शो बहुत ईजी हो गया था। बिकॉज फैशन अभी भी, अब तक फैशन पे रियलिटी शोज जो बने हैं वो लड़कियों को लेके बने हैं, बट दे आर ऑल्सो इन टू फैशन, द LGBTQ कम्युनिटी इज ऑल्सो इन टू फैशन। मुझे चाहिए था कि उनमें से भी वी गेट पीपल आउट टू द शो। मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि हर आदमी, हर इंसान को चांस मिलना चाहिए। अगर आपको सोसाइटी ने जो भी बोला उसके हिसाब से आपको एक कम्युनिटी नहीं पसंद, वो गलत है। अपने खुद की सोच हमें रखनी चाहिए पूरा टाइम। हमें कोई शो को इसलिए नहीं इनकार करना चाहिए क्योंकि वो शो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है। सबने बहुत बहुत हार्ड वर्क से ये शो बनाया है, लड़कियों ने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने अपने पूरी जी जान लगाई है शो में। अगर आपको फैशन में इंटरेस्ट है, आपको रियलिटी टीवी में इंटरेस्ट है, तो यू शुड डेफिनेटली वॉच प्रोजेक्ट एंजल्स। तो किस प्रकार का माहौल,
ड्यूरिंग द शूट नहीं, ऐसा नहीं था. ड्यूरिंग द शूट बिल्कुल शूट जैसा प्रोफेशनलिज्म चल रहा था शो में. जब गाने और ये सब बज रहे थे, एवरीवन न्यू, सब जानते थे दैट ये शो उनके लिए बनाया जा रहा है. तो सब बहुत अच्छे से रहे, सब ने बिल्कुल विदाउट कोई गलती काम किए हैं अपने, और खुशी से सब चला है. बिल्कुल बहुत खुशियों से, बहुत हंसी मजाक चल रहे थे सबके. लड़कियां बहुत खुश थीं, लड़कियों के साथ मैं बहुत खुश थी. बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत बहुत ही वेलकमिंग था. मतलब हमें लगा था कि थोड़ा बैकलैश आएगा, लोग थोड़ा बिहेव करेंगे अलग, बट नोबडी डिड दैट. बहुत इक्वली ही सब ट्रीट हुए, एंड आई वाज बहुत अच्छी चीज़ हुई कि ऐसा हुआ. अभी हिंदुस्तान में नहीं, नॉट कम्प्लीटली. बहुत रिस्की आंसर है, पर नहीं. क्योंकि मैं जिस जेनरेशन से आई हूँ उसमें मैंने देखा है कि हमारे जो फैमिली के लोग होते हैं उनके ही बिलीफ्स गलत हैं हमसे लेके. जो हमारी जो सोच होती है, वो जैसे हमें बोला गया कि हर आदमी को एक्सेप्ट करो, वो नहीं है. हमारे जेनरेशन गैप है बहुत बड़ा. तो वो जब चेंज होगा, जिस दिन वो चेंज होगा, तब बदलाव एक्चुअल आएगा. और ये शो लेके मेरी सच में इच्छा ये है कि बदलाव आए ऑडियंस में. नहीं, ये सब एक दूसरे से प्यार करती हैं, सब एक ही कम्युनिटी के हैं. दो तीन तो साथ में रहती हैं, सब दोस्त हैं एक दूसरे में, अच्छी हैं. नविया जी भी सबके साथ अच्छी हैं. सबकी फैमिलीज बनी हुई है, क्योंकि इनकी खुद की फैमिलीज इनको नहीं एक्सेप्ट करती, तो इन सब ने अपनी फैमिलीज बना रखी है. इसलिए मेरे लिए ये अब फैमिली बन गई है. तो मेरे लिए हमेशा, इनके लिए हर हमेशा एक जगह है. जैसे जो समाज में इस तरीके से कहा जाता है कि चार जगह चार लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है. मुश्किल तो था, पर एक बार जब सब ऑन बोर्ड आ गई तब प्रॉब्लम हट गई थी. तो एक से मिले, दो को बुलाया, उन दो से मिले, उन दो से बोला, और लोगों को बुलाओ. तो वर्ड ऑफ माउथ से नहीं, क्योंकि रियलिटी शो में तो आई क्लियर दिस. प्रोजेक्ट एंजल्स में जो भी है, मेकअप, क्लोथ, सब कुछ, सब उनका है. हमने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि मेरा शो बेस्ड है डिसिप्लिन पे, मॉडलिंग एंड डिसिप्लिन. तो हम लोगों ने प्रोवाइड कुछ भी नहीं किया है. दे वर गिवन एन अमाउंट टू गेट देयर आउटफिट्स, वो खरीदने के लिए, दैट वाज ऑल नॉर्मल. बट उसके अलावा हमारा कोई हाथ नहीं था उनकी ड्रेसिंग में, उनकी आउटफिट्स, उनके मेकअप, कुछ में, कोई चीज़ में हमारा कोई वो नहीं था. उनने जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं डांस की, उसमें भी हमारा कोई हाथ नहीं था, बिकॉज दे उन लोगों ने खुद ही कोरियोग्राफ करके खुद ही वो किया था. देर वॉज अ पर्सन जो उनको हेल्प करा था, अगर कोई एक दो चीज़ प्रॉब्लम आ रही थी तो उसमें हेल्प हो रही थी, पर बाकी सब उनका खुद का किया हुआ है. शो रिलीज हो चुका है एक्चुअली, तो अब दर्शकों पे ही है, क्योंकि हर एपिसोड के बाद अब आप पे ही हो गया है कि आप वोट करिए इस शो पे. जो भी एंजल्स हैं हमारी, उन सबको आप वोट कीजिए, अपनी फेवरेट एंजल को लाइए, कि हमारा जो फिफ्थ और फाइनल एपिसोड होगा उसमें आप अपनी फेवरेट एंजल की क्राउनिंग को देख सकें. प्रोजेक्ट एंजल्स मास टीवी पे अभी आ चुका है, एपिसोड 3 आज ही रिलीज हुआ है. पूरा फ्री चल रहा है मास टीवी पे. बाकी सारे शोज़ भी हैं जो आप देख सकते हो ऑन मास टीवी, बट प्रोजेक्ट एंजल्स इज़ अ शो यू शुड वॉच. थैंक यू.